एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? देखो ठंड खत्म हो गई है, गर्मी का समय हल्का फुल्का आ गया है, फरवरी चल रहा है, होली जल्दी आने वाली है, तो आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। और आप सभी को मैं बता दूं, ब्लॉग हमारा कंटिन्यू हो रहा था लेकिन कुछ दिनों से, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो सप्ताह से हमारे इधर वाईफाई और लाइन दोनों की कनेक्टिविटी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, लेकिन सब सही हो गया है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो अब आज से ब्लॉग आपको फिर से कंटिन्यू मिलेगा। पुराने जितने भी डिस्टर्बेंस हुए हैं उन सभी के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके स्टेटस लगा दीजिए, ताकि यह चैनल ग्रो हो सके। तो थैंक्स वंस अगेन। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और वीडियो में शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जहाँ पे हूँ वो है मुसरी घिराड़ी का एरिया और मोहनपुर का एरिया। यहाँ रोड है बिल्कुल NH है, जो कि बनने वाला था, अभी तो इसका चौड़ीकरण होने वाला है। चारों तरफ देखिए और इधर ऐसी गाड़ियाँ लगा करके छोड़ दिया जाता है रास्तों पर, लोग आते जाते रहते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिहार में ऐसे ये मतलब मैं क्या बोल रहा था, बिहार में ऐसे ही सीन चलते रहते हैं, तो यही सब कुछ होता रहता है मेरे भाई। ये टोटो वाले भाई साहब, इन लोगों को लगता है यार ये टोटो रोड इनके बाप दादाओं की है, जहाँ से मर्जी वहीं से टोटो को मोड़ देते हैं, और इसी कारण इतना ज़्यादा रोड पर जाम लगता है। मेरे भी ऊपर दुआ खराब हो गया, पंगा पड़ गया था, मैंने ऊपर टाटा भी कर दिया था, फिर जो होते बचा था मैं। ये बूढ़ा जी रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं और हाथ में बेचारा टैनिक चुना रहे हैं, क्या बात। मिश्री घेराड़ी का है और मिश्री गाड़ी में आने के बाद यहाँ से आप पटना छपरा गंदाहा हाजीपुर जा सकते हैं और दसवीं तराई वाला रूट भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं। और यही कॉर्नर है, यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, भगवान की मूर्ति यहाँ पे आकर बिल्डिंग है और बहुत बड़ी यहाँ पे इमारत खड़ी करी गई है मंदिर की। होटल वगैरह तो खुल रहा है फोर वेज देखते हैं अभी। देखो अभी क्या है ना कि ये फोर वेज बनने वाला है और लोगों को पता है कि अगर फोर वेज बनेगा तो होटल वगैरह की जरूरत पड़ेगी, गैरेज वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो लोग अभी से अपना आप बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हैं। गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है उसी तरीके से यहाँ पब्लिक भी अपना अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं। भैया गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, पब्लिक भी अपना बिजनेस उसी तरीके से बढ़ाती है। अच्छा अभी भी सामने आप गर्मी का देखते हुए जा रहे थे, मुझे देखते हुए दरअसल वो मेरे जान पहचान की हुई थी BKD 8 है, उसकी की ऑनर है, वो छोटी सी लड़की है लेकिन वो उसकी ऑनर है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें छोटे से उम्र में उसकी जो सही है सारी की वो एक दो उसका मतलब एक शरीर में ऐसे निकलता ही रहता है, तो वही लाखों की कमाई है। मैं कहता हूँ होना चाहिए यार, सबको इतना सक्सेस तो होना ही चाहिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा करो जिसके कारण की बैठे ही आपके अच्छे कर रही है। उसका जाने का मेरा दिल कर गया यार, आओ देखता हूँ ऑनलाइन कुछ है कुछ नहीं। मोबाइल से पैसा हो जाता है क्या? मोबाइल से पेमेंट हो जाएगा? मोबाइल से पेमेंट हो जाएगा? नहीं देखते। अरे मोदी जी आप क्या करवा दिए यार, अरे इधर क्या है, कैशलेस भारत बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों का क्या, जिनके पास मोबाइल ही नहीं है यार, मेरी स्क्रीन टच मोबाइल होता तो ये लोग खुद से भी पे कर लेते, लेकिन की पैड वाला मोबाइल होता है ज़्यादा तो लोग सोलह सौ कहते हैं, इनके क्या ही पेमेंट नहीं होती। ये देख लो कैसे चला रहे हैं ये लोग, अपनी मर्जी से यार जैसे मर्जी वैसे चला लेते हैं यार। सड़क पे तो कोई बात ही नहीं है, कौन सड़क कहाँ जाती है नहीं जाती है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंसान का भीड़ लगे ना लगे गाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं है यार, बस पैसेंजर बैठाना और उतारना है यार। आए हैं मेरी जिंदगी सुंदर बनकर, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनकर आंखों में बस गए तुम।
ये जो आप देख रहे हो गाड़ी पे, इसे कहते हैं जय। और ये जय ये लोग होते हैं अपने मवेशी के लिए, अपने गाय के लिए, और जाकर के क्या सही प्रयोग है, एकदम सही है। ये होता है थ्री व्हीलर लोग इसलिए करते हैं कि भाड़ा कमाएंगे, लेकिन ये भाड़ा क्या कब आएगा, ये बेचारा अपना ही जुगाड़ में लगा हुआ है। हमारे इधर कुछ भी यूज हो सकता है, देखो कौन कहता है कि किसान गरीब होता है, इनकी रईसी देखो। स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट बनाया तो है, लेकिन टेस्ट बहुत घटिया रहता है इसका। मैं एक बार चला गया था, रेस्टोरेंट है, कहाँ से आ रहा था, पटना से आ रहा था, और यही रूट पड़ता है हम लोग जो पटना से आते हैं, तो इसी रूट से। अभी आपको मुझे पहले मैंने दिखाया भी था, इतना बेकार खाना खिलाया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं तो मुँह से बोल देने वाला है लड़का ने, तो यार मैंने बोल दिया यार बहुत गंदा खाना है, इतना गंदा खाना खिलाओ यार ना, मेरे रेस्टोरेंट रखो भी स्वाद नहीं होगा, छोड़ दो यार। स्वाद क्या चीज़ होती है तुम्हें पता नहीं। ये देखा देखा टेम्पू वाले की चालाकी, टेम्पू स्टार्ट कर दिया, इससे पहले अगर मैंने निकाल रहा तो अभी मेरे हैंडल में लगा देता और मैं गिर जाता यार। इन लोगों की कोई बहस ही नहीं है आदमी के जान से, अच्छे से जान लेने के लिए। अच्छा भाई चल 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 चल, मैं राइट से जाऊँ लेफ्ट से जाऊँ पता ही नहीं है, कितना बीच में कुछ चला जाऊँ भाई। अल्टो, कल मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि अल्टो यार बैन होने वाला है, छोटी सी गाड़ी है हम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बैठता हूँ तो आगे ही पहुँच जाती है, पता नहीं कितनी दूर की गाड़ी है। चल बे गरीब लोग, कोई मतलब नहीं है कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है, इनको बस अपने काम का मतलब है। देयर इज नो रूल एंड नो रेगुलेशन मैन। देखो बगला पक्षियों का झुंड क्या अच्छा लग रहा है, लाजवाब। तो मेरे दोस्त आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय, सी यू, चाचा लव यू। और ऐसे ही मेरे वीडियोस को प्यार देते रहना यार, और जल्दी मेरी वीडियोस को 1000 सब्सक्राइबर दिलवा दो यार मेरे चैनल पे, और जल्दी मेरे वीडियोस को वायरल कर दो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।